जय श्री कृष्ण। YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर हिना ऊजा। जैसा हम डाउजिंग के प्री वर्कशॉप चल रहा है हमारा, कंटिन्यू करना है, तो हमारा ये सातवां एपिसोड चल रहा है। उसमें मैंने फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स, ये सब में बताया है कि हमारे साथ एनर्जी क्या काम करती है, डाउजिंग हमारे साथ कैसे काम करता है। तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा कि अभी हमारा ये 19वां कार्ड आ रहा है, तो 19 नंबर का कार्ड है, तो वो आप देख सकते हो कैसे है। ओके, तो उसमें मैं अभी समझाने जा रही हूँ। उसमें ग्लैनेट्स दिए हुए हैं, तो ग्लैनेट्स यानी थायमस, पिनियल, पिट्यूटरी, थायरॉइड, एड्रेनल, पैनक्रियास, लिम्फ्स, थायसिस, ओवरी, तो ये सारी चीज़ें दिए हुए 19 नंबर के कार्ड में। तो ये सारी ग्लैनेट्स हमारे साथ क्या काम करती है, कौन सी हमारी ग्लैनेट्स खराब हो चुकी है, तो वो भी हम डाउजिंग से देख सकते हैं। और उसमें काफ़ी हमको फ़र्क पड़ता है कि हम पहले से हमारा पूरा एक रिकॉर्ड निकाल दें कि क्या क्या काम करता है। वैसे 20 नंबर है तो स्पाइन, स्पाइन जैसे सर्वाइकल है, थायराइड है, लिम्बर है, कोकीस है, स्क्रम है, तो ये सारी चीज़। अभी 20 नंबर का कार्ड है स्पाइन, तो ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई, तो उसमें भी हमारे बैक साइड में कौन सा प्रॉब्लम है, तो वो भी हम जान सकते हैं। अभी 21 का नवंबर का कार्ड आ रहा है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में हम देख सकते हैं, ये एक कार्ड है, जैसे हेमोग्लोबिन में 7, 8, 9, 10, 11 में फीमेल लिखा हुआ है, और 13वां नंबर में मेल लिखा हुआ है, तो ऐसे हम देख सकते हैं कि फीमेल में कितने हेमोग्लोबिन होना चाहिए और मेल में कितना हेमोग्लोबिन होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई गई है, तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाम लेके हम, मैंने जैसे पहले बताया प्रश्न कैसे पूछना है, तो प्रश्न में हम देख सकते हैं कि फीमेल है तो उसके लिए वो कितना होना जरूरी है और मेल के लिए कितना होना जरूरी, नाम लेके हम पूछ सकते हैं कि अभी उसका कितना है, तो जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति हमारे पास में होना चाहिए, उसके फोटो पे और नाम देख के भी हम बता सकते हैं। वैसे 22वां नंबर का कार्ड है तो वेट, तो उसमें वेट दिखा रहे हैं, तो जैसे वेट, हमारे बॉडी का वेट भी हम देख सकते हैं, जैसे बाहर का हम फॉरेन जाते हैं तभी हमारे बैग का वेट कितना है वो भी हम देख सकते हैं, और हमारी बॉडी का वेट कितना होना चाहिए हाइट के मुताबिक, तो वो भी हम देख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेट के हिसाब से। अभी हमारा आ रहा है 23rd नंबर का कार्ड। 23rd नंबर का कार्ड है तो नेचुरल मिनरल, तो उसमें ऑक्सीजन, आयोडीन, पोटेशियम, सोडियम, कोलेस्ट्रोल, कॉपर, फ्लोरिडिन, सब कैल्शियम, सारी चीज़ें, आयन, सब लिखी हुई है, तो उसमें भी हम फाइंड आउट कर सके हमारे शरीर के अंदर कौन सा नेचुरल मिनरल कम है, तो उसके मुताबिक हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है। और हमें बाहर जैसे कोई लोग 6 महीने के अंदर या तो 1 साल के अंदर पूरी बॉडी का रिपोर्ट निकालते हैं कि कहाँ पर कौन सा प्रॉब्लम है, तो ये हमें फाइंड आउट पहले करना है। अभी आ रहा है 24 नंबर का कार्ड ट्रीटमेंट। अभी हम लोग कभी काफ़ी टाइम वो प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कौन सा ट्रीटमेंट करें, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाऊं या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाऊं या तो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाऊं, नेचुरोपैथी के पास, होम्योपैथिक, तो हमारा तत्व कौन सा है, जल तत्व है तो जल तत्व और पृथ्वी तत्व को अच्छी दोनों की बनती है, मित्रता है, तो हम जल तत्व और पृथ्वी तत्व के कनेक्टेड, तो हमारा आयुर्वेदिक आ रहा है। फिर एलोपैथिक दवा हमें काम नहीं करती, एलोपैथिक दवा किस में जाती है, अग्नि तत्व के अंदर जाती है, तो जल तत्व और पृथ्वी तत्व वाले जो पर्सन होते हैं तो उसको वो ट्रीटमेंट काम नहीं करती है, तो हमें क्या करना है, रेकी हीलिंग, जो ब्रह्मांड की शक्ति में से जो भी शक्तियाँ होती है वो हमारे शरीर में काम करती है, तो ये हमें खास ध्यान रखना है, इसलिए मैं ट्रीटमेंट में ज़्यादा सिखा रही हूँ। एक्यूप्रेशर है, एक्यूप्रेंचर है, क्रिस्टल है, योगा है, जेम्स है, मेडिटेशन, अलग अलग प्रकार के बहुत सारी दवाइयां हैं, तो ये जैसे आप ट्रीटमेंट में आप देख रहे हो कि सारे ऐसे हाफ राउंड करके हम सारा अलग से कार्ड बना के भी हम लोग डाउजिंग कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हमको वो कौन सी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। जैसे मैंने तत्व पे से भी बताया, जैसे अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, तो ऐसे तत्व लेके भी हम काम कर सकते हैं। जैसे अग्नि तत्व है तो उसमें 3 राशियाँ आती है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, तो उसके अंदर एलोपैथिक दवा बहुत ही अच्छा काम करती है और ये करने से हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। और हमें दवाइयाँ किस तरफ रखनी है, हमारा जो एपिसोड होने वाला है टिप्स के ऊपर,
के उपाय क्या काम करते हैं, तो वो हमें उसमें हम बताएंगे कि कौन से ट्रीटमेंट और दवाइयाँ कहाँ रखनी है हमारे घर के अंदर। तो ये हमारा 23rd, 23rd, 24th कार्ड ख़त्म हुआ। अभी हमारा आ रहा है रेकी ट्रीटमेंट, जो रेकी के कनेक्टेड होती है। तो रेकी के अंदर कौन सी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ऐसे अलग अलग प्राणिक हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, क्रिस्टल थेरेपी है। तो जैसे मैंने ये कार्ड बनाया हुआ है, आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर, तो सेल्फ रेकी, डिस्टेंस रेकी, टच रेकी, कैंडल थेरेपी, ओपन रेकी, क्रिस्टल शिव शक्ति की पेन से, क्रिस्टल वाटर। अभी क्रिस्टल के अंदर देखें, रेकी के हीलिंग के अंदर देखें, प्राणिक हीलिंग के अंदर भी हम देख सकते हैं। तो सारी अलग अलग ट्रीटमेंट आती है, मेडिटेशन भी लिख सकते हैं, मेडिटेशन का भी कार्ड आएगा। मैंने अलग अलग बहुत सारे कार्ड बनाए कि कौन सी ट्रीटमेंट कौन सी व्यक्ति को जल्दी सूट करेगा और उसको रिजल्ट मिलने वाला है, तो वो काफ़ी काम करता है। अभी बाद में आता है प्लेनेट एस्ट्रो। तो प्लेनेट एस्ट्रो में 12 राशियाँ मैंने दी हुई है, जैसे एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वैसे मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, ऐसे 12 राशियों के दिए हुए। तो हम उसमें वो भी क्वेश्चन कर सकते, कौन सी राशि की मेरे साथ मेन मिलाप है, मेरी फ्रेंडशिप हो सकती है, कौन सी राशि के साथ मेरी शादी होने वाली है, कौन सी राशि के देश में मैं जाऊँ तो वहाँ मैं सेटल हो सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज क्वेश्चन हम हमारे तरीके से बना सकते हैं। और हमें पता होता है कि ये, जैसे मैंने पहले बताया कि तत्व हमारे साथ काम करते हैं, तो ये राशियों भी तत्व, चार राशियाँ आ जाती है, तो अलग अलग काम करता है, तो वो भी हमें बहुत ही बेनिफिट देता है। जैसे राशियाँ वैसे लग्न भी होते हैं, जो ज्योतिष है उनके लिए ये पता चलेगा कि 12 राशि 12 लग्न भी होते हैं, तो 12 लग्न भी हमारे साथ काम करते हैं। तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सी लग्न वाला मुझे जीवन साथी मेरा मिलेगा, तो वो भी हम देख सकते हैं। राशियाँ के साथ दिशाएं भी जुड़ी हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग हमें चलाना चाहिए कि क्या काम करता है। तो हमने देखा आज 25-26 बहुत सारी राशियाँ हमारे साथ काम करती हैं। वैसे ही आज हम दिखाएंगे कि आपको आगे कैसे करना है। तो ये सब तत्व, राशियाँ, दिशाएं, ये हमारे साथ बहुत ही काम करता है, और डाउजिंग वैसे ही हमारे साथ काम करता है। तो 2021 में सब वेलकम है, और आप किट हमारे पास से ले सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। और अभी हम 27 नंबर का कार्ड दिखाते हैं, एस्ट्रो हाउस। जैसे मैंने 12 राशियाँ दिखाई, वैसे 12 भाव भी होते हैं, 12 घर भी होते हैं। जैसे पर्सनालिटी है, ये आप देख सकते हो, पर्सनालिटी है, वेल्थ है, रिलेशन है, मदर है, चाइल्ड, हेल्थ, मैरिज, लाइफ, लक, कर्म, इनकम, एक्सपेंस। अभी आप देखेंगे तो मेरी पर्सनालिटी मेरे साथ कितनी काम करती है। जैसे एक्टर्स लोग होते हैं तो उसके साथ उसकी पर्सनालिटी काम करती है। वेल्थ है, संपत्ति, तो किसी के साथ संपत्ति काम करती है, कि जो पैसे वाला है, हम बोलते नहीं ये पैसे वाला व्यक्ति, उसके जन्माक्षर अच्छे होंगे, उसकी ज्योतिष अच्छी होगी, तो ये हम देखते हैं। रिलेशन, तो रिलेशन कब हमारे सबके साथ में रहते हैं, तो वो है मदर, हमारी मदर के साथ क्यों नहीं बनती है, फादर के क्या सुख बनती है, तो फादर के साथ नहीं बनती है तो मदर के साथ अच्छी बनती है। तो ये सारे एस्ट्रो हाउस हमारे साथ, एस्ट्रो भाव, वो सारे काम करते हैं। तो जैसे 12 है, 12 भाव है ज्योतिष के अंदर, तो वो 12 भाव हमारे साथ क्या क्या काम करते हैं, कौन से भाव हमारे साथ ज़्यादा इंक्लूड है, तो वो भी हम देख सकते हैं ये डाउजिंग के साथ में। वैसे हेल्थ कंडीशन, अभी हेल्थ कंडीशन में देखेंगे, आप कार्ड में दिखा रहे हूँ, जैसे नॉर्मल है, ई है, बेड रेस्ट है, वेरी लीले, सीरियस है, डाइंग, क्रिटिकल, होपलेस और डेड। हम कभी कभी देखते हैं कि ये व्यक्ति जीवित है कि मर गई है, और हमारे से दूर रहते हैं, बाहर गांव रहते हैं, तो हम उसके साथ कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं, हमको नहीं पता है, हमारे उसके साथ रिलेशन नहीं है, तो हम कैसे देख सकते हैं। तो ये हम डाउजिंग करके ये कार्ड द्वारा हम देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जीवित है कि मर गई है। और लेकिन डाउजिंग के साथ हमें श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करना है कि नहीं, ये डाउजिंग जो हम आंसर पूछ रहे हैं वो 100% पॉजिटिव है और अच्छा रिजल्ट देता है। 15 दिन होने के बाद आप डाउजिंग को वापस चार्ज कर सकते हैं, और उसकी नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए नमक के पानी से उसको वॉश करना जरूरी है। और आगे हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा, और आप के साथ नई नई टिप्स वास्तु की और ज्योतिष के अंदर और घर के वास्तु की टिप्स अलग अलग हम बताएंगे। हम डॉक्टर हैं, हम प्रेडिक्शन करते हैं डाउजिंग पर से,
तो हमें ये फर्ज है हमारी कि हमें उसे दवा भी देनी है, तभी हम डॉक्टर कहलाते हैं। थैंक यू वेरी मच।